हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब लोग? आज व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जस्ट अभी अभी सो के उठा हूँ। और जैसे कि आप लोग जानते हो, मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है। पोल्यूशन से नहीं है, मेरे को इन दिनों में प्रॉब्लम होती है, मेरे को ब्रीथ करने में इशू हो जाता है। तो डॉक्टर ने मुझे बहुत सारी दवाइयाँ दी हैं, और दवाइयों के साथ साथ मुझे नहीं पता क्या सोच के उन्होंने बोला कि अगर आपके घर में पैट है तो उसको आपको उससे आपको दूर रहना है। तो कंटिन्यू, मतलब आप लोग जानते हो मेरे पास डॉग है, जर्मन शेफर्ड डॉलर, जो कि मैं 3 महीने के लिए लेके आ गया था। आज वो मे बी कोई 2 साल से ज़्यादा हो गया उसको। तो गाइज, मैं पहले दवाइयाँ दिखा देता हूँ जो मेरे को डॉक्टर ने दी हैं। देखो यहाँ पे कुछ दवाइयाँ रखी हुई हैं, ये मेरा कम्बल उम्बल पड़ा हुआ है। ये कुछ दवाइयाँ हैं जो मैं लेता हूँ, जो मेरे को डॉक्टर ने दी हैं, जिसमें एक ये भी है, ये इंक्लूड है। इसको नोज़ में डाल के पता नहीं कैसे लेते हैं। और एक यहाँ पे पंप भी है। सो ये रहा वो पंप मेरा, जिसको मेरे को लेना होता है, और इसी पंप के भरोसे मैं भी चल रहा हूँ गाइस। मतलब इसको मैं दिन में 2 बार लेता हूँ। हालांकि ये कोई वैसा वो नहीं है कि मैंने डॉक्टर से प्रॉपर पूछा था कि मेरे को कोई मतलब अस्थमा टाइप कोई इतनी खास तगड़ी बीमारी तो नहीं होगी। उसने बोला है आपको एलर्जी हो रही, एलर्जी ज़्यादा बढ़ रही है, और अगर इसको अभी नहीं रोका गया ना तो ये अस्थमा में बदल जाएगी। चलो सारी बात छोड़ो, वो तो देखते हैं। लेकिन जो उसने मैंने उसको बोला कि यार मतलब डॉग जो है मेरा बहुत परेशान हो रहा है। आप लोग जानते हो अगर आपके घर में पेट है तो थोड़ा अगर आप उसको मिलोगे नहीं तो थोड़ा मतलब खाना वाना भी छोड़ देता है। तो उसने बोला कि एक काम करना, आप मास्क पहन के चले जाना और मिल लेना। और ये डॉलर वाले ही कपड़े मैंने पहने हुए हैं, क्योंकि डॉलर सारे कपड़े फाड़ देता है। तो आप ये चेक कर सकते हो मेरी ड्रेस की हालत, ये देखो यहाँ से भी फटी हुई है, ठीक है। ये देखो ये भी फाड़ दी इसने, और ये भी फाड़ दिया, और ये तो खैर थोड़ा टाइट है तो उसमें फटा नहीं है। तो अभी एक काम करते हैं, $8 का रिएक्शन कैप्चर करते हैं, 3 दिन बाद मैं उससे मिलने वाला हूँ, और मास्क लगा के बाहर चलते हैं, बुलाता हूँ उसको नीचे से ऊपर चलो। तो अभी इसको जल्दी से मास्क को पहन लेते हैं, और उसके बाद चलते हैं डॉलर भाई से मिलने। काफ़ी दिन हो गए हैं, जितना एक्साइटेड हुआ है उतना ही मैं हूँ। लेट्स गो। हाँ मास्क लगा रखा है। आ गया आ गया आ गया आ गया, वो दिन मारा है। हाँ भाई लड़के, क्या हाल है? हो हाँ हाँ रो क्या है? हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ, अले ले ले, अले ले ले, अले गुड बॉय। ओ भाई हाँ 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 हाँ। कहाँ था तू 3 दिन से? अभी गुस्सा दिखाएगा, देखो नीचे भाग जाएगा भाई। तो भाई थका दिया लिटरली, थोड़ी देर में डॉलर ने पागल सा कर दिया यार, थका दिया, खेल वेल के नीचे चला गया। और गाइस जैसे कि आप लोग जानते हो यार, अब तो दिसंबर आ रहा है और आप लोगों के घर में भी बहुत सबके शादियों के कार्ड आ रहे होंगे। तो भाई इतनी सारी शादियाँ, प्रॉब्लम मेरे साथ ही हो गई है कि पापा का जब से ऑपरेशन हुआ, पापा ने बाहर का खाना अवॉइड कर दिया है, क्योंकि इनकी जो डाइट चल रही है वही वो फॉलो करते हैं। तो जितने भी घर में कार्ड वार्ड जो भी आ रहे हैं तो कहीं जाना ही नहीं हो पा रहा, तो अब मेरे को अटेंड करनी पड़ेगी। और मैं सोच रहा हूँ कि यार अपना कुछ फॉर्मल्स कपड़े वगैरह पहनना स्टार्ट कर दूँ। तो भाई मैं आ गया हूँ अपनी गाड़ी में, और अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ से निकलने की, मतलब ट्राई क्या कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि कहीं निकल जाते हैं यहाँ से, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी शॉपिंग करनी। जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे को चाहिए एक तो सर्दियों के थोड़े से कपड़े चाहिए, और दूसरी बात मेरे को ना लोफर्स चाहिए हील वाले। तो अभी यहाँ से या तो जाएंगे वैशाली, और या फिर मतलब वैशाली में 2 मॉल है, या फिर जाएंगे कौशाम्बी, वहाँ से देखते हैं वैसे कहाँ जाना है। पहले यहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे जाम लगे तो यहीं पे रह जाएंगे। बाकी पार्किंग का इतना बुरा हाल हो रखा, मैं दिखा देता हूँ आपको। भाई देखो ये मेरी गाड़ी, पार्किंग का हाल देखो कैसा हो रखा है, अगर इसे मैं क्लियर करके दिखाऊँ। ये देखो, ये देख रहे हो, मतलब यार टूटी फूटी पार्किंग, कहीं पत्थर पड़े हैं पूरी। चलो मेरी गाड़ी ऊँची है इनकी, ऐसे हो गई अंकल की, वहाँ देख रहे हो बम्पर टक गया अंकल का गाड़ी में। भाई एक तो ना आंटियों को समझ नहीं आता मुझे, मतलब कॉमेंट करके बताना तुम्हारे यहाँ भी ऐसी आंटी है क्या, जैसे हमारे यहाँ पे है जरा सी गली है, इतनी सी पतली सी गली है, उसमें भी ना डोलची लेके आगे चलती रहती हैं, और हॉर्न मारो तो भाई यू कहती हैं बिल्कुल सिर पे चढ़ाएगा, और बिल्कुल बोनेट में बैठने को तैयार हो जाती हैं। यू नहीं इतना सभी साइड दे हट जावे, हॉर्न मारो तो क्या कहती हैं, ये आजकल के बच्चे गाड़ी ले लेके चलते हैं बिल्कुल छाती पे चढ़ने को हमारी। आपके यहाँ पे भी ऐसी आंटी है? हमारे यहीं पाई जाती हैं कुछ इस तरह की आंटियाँ, कॉमेंट करके बताना भाई। भाई मुझे लग रहा है मॉलों में फ्री में सामान मिल रहा दिखे यार, इतनी भीड़ पीछे देखो, पीछे भी भीड़ ही भीड़ आ रही है, पूरी भीड़ ही भीड़ आ रही है। गाइज मैं ना मतलब मॉल से तो आ गया था, और मैं मॉल से ना सीधा आ गया हूँ पता है कहाँ पे, आ चल के ऑफिस के यहाँ पे, क्योंकि मेरे को वहाँ पे कुछ पसंद आया नहीं था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे, कुछ भी मेरे को नहीं मिला था, और मैं आंचल को लेने आ गया। अब इसमें लेने में मैं बताता हूँ मैंने किया क्या, मैंने एक प्रैंक कर दिया आंचल के साथ कि भाई इतना जाम है अपना ना खुद मेट्रो से आकर,
ठीक है, और इसको इरिटेशन हो गई, कह रही है काम करना आज के बाद मेरे को लेने मत आना। और मैंने जान पूछ के क्या, मैं उसके ऑफिस के जस्ट बाहर हूँ, मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ बाहर निकल के उसको, आगे उसका रिएक्शन कैप्चर करते हैं। आज रिएक्शन रिएक्शन कैप्चर हो रहे हैं, पहले डोगी का फिर आंचल का। तो अभी एक काम करते हैं, उसको ना कॉल मार लेते हैं एक बारी आंचल को, चलो कॉल कर लेते हैं। सो ये यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा शीशा डाउन करके, ये देखो ये आंचल का ऑफिस है पूरा, ये ईटीटी टावर करके है, ठीक है ये देखो। तो भाई इसके ऑफिस पे, और यहाँ इतनी यहाँ पे भीड़ रहती है, इतनी भीड़ रहती है यहाँ पे ना, पार्किंग की भी जगह नहीं मिलती कहीं। स्टिल मैं यहाँ पे कोने में लगा के उसका पागल बना देता हूँ। चलो हेलो हेलो आंचल, हाँ तुमसे जब मना करा था मैंने कि मेरे को मत बुलाया करो, फिर एक बात बताओ यार, तुम मेट्रो से क्यों नहीं आती हो? मेट्रो से आया करो ना यार, बुलाया करो, मेट्रो से आया करो ना, मेट्रो से क्यों नहीं आती हो तुम? मेरे को तो लगा था कि तुम किलस गई होगी, और मेरे को जब मैं तुमसे फोन करूंगा ना तो उल्टा सीधा बोलोगी, लेकिन तुम तो किल्स ही नहीं। लेकिन स्टिल तुम ना मेरे को मत बुलाया करो, यहाँ पे मेट्रो से आया करो, मेरे बस की नहीं है यहाँ पे। तुम्हारे बस की नहीं है तो मैं तो आ भी नहीं रहा, वैशाली हूँ मैं। अरे भैया मैं वैशाली हूँ, मैं वैसे कह रहा हूँ, मैं आ भी नहीं रहा। तुमसे मना नहीं किया था मैंने कि मैं नहीं आऊंगा? ऑफिस के बाहर खड़ी हो तो भैया टेम्पू ले लो, टेम्पू ले लो फिर। तो सेफ क्यों नहीं है? सब पता है तुम्हें, अनुदीप त्यागी की पत्नी हो, छह छह गोली वाले बाबा हैं। सही बताओ, तुम ये तो एक काम करो फिर, भाई आना तो पड़ेगा, मेरे बस की तो है नहीं, तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो चलो फिर आना है तो फिर ठीक है, मैं कर लेती। अरे सुनो सुनो, हेलो एक काम करो सुनो, ऑफिस के बाहर आ जाओ, बाहर खड़ा हूँ, आ जाओ जल्दी। तुम मुझे लेने आए हो ना? यहाँ पे तुम्हारी सहेली रहती है ना, वो उसे लेने आया हूँ, घर छोड़ूंगा उसको, अकेली है ना आज घर पे। ऑफिस के बाहर हूँ मैं, मुझे तो तुम कहीं नहीं दिख रहे। ऑफिस का कौन सा गेट है? मैं किसी और के ऑफिस पे तो नहीं आ गया हूँ। दिख गई तो आ जा फिर, फिर एक काम करता हूँ, साइड में कोने में लगा रहा हूँ, आ जाओ जल्दी भाग के। अब इंच मत चलो, यहाँ पे साइड में गेट है, ये देखो ये लगा दी साइड में गाड़ी, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तुम्हारी गाड़ी दिख गई, तुम वहीं खड़े हो जाओ। तो एक काम करो, गाड़ी दिख गई तो पैदल पैदल गाजियाबाद आ जाओ, वैसे ही बगी बगी गाड़ी के पीछे मैं 20 की स्पीड से चला जाऊंगा, बगी बगी आ जाओ, कि दिख गई दिख गई। मेरे को पता है इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, मैं तुम्हें क्या ही बताऊंगा। तो भाई गाड़ी भी कह रही है गोल अचीवमेंट इतना चाहिए सुबह से ना। अब कहां दिख गई तुम्हें गाड़ी? मुझे तो तुम कहीं से कहीं नहीं दिख रही पीछे। मुझे तुम्हारी गाड़ी पार्किंग इंडिकेटर दे रखे हैं, जल्दी आ जाओ, 5 मिनट वेट करूंगा, वरना अपना टेम्पू लेके घर चल जियो। मेरा टेम्पू ना, मेरा टाटा है। हेलो दिख गई, दिख गई गाइस, वो देखो बाहुबली सी आ रही है। मैं वैसे एक बार मैं रिकॉर्ड कर रहा था तुम्हें, देखो गाइस वो आ रही है, दिखाता हूँ वो आ रही बगी। अरे इधर से, इधर से, इधर से आएगी, इधर से आएगी। अब वारी वारी बगी हुई जिंगर, ये देखो ये आई बगी हुई। मैंने हल्का सा भी वो भी नहीं कर रखा है, ऐसे आ गई। और मैं ना सरप्राइज देना आ रहा था, लेकिन मेरे पास जो माइक है ना, वो एक ही माइक है। यार कैमरे में आना था तो ऐसे में देखने में कैसी लग रही हूँ? सही तो लग रही हो। सही लग रही हूँ मैं? अरे लाइट लगवाई है बाहर से, ये माइक ले लो, लो एक ही माइक है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा सरप्राइज देने, तो मैं एक ही माइक लाया हूं, क्योंकि मैं अपने लिए अपने काम से गया था, और जिस काम से मैं मॉल गया था मुझे कुछ लेट नहीं मिला। चलो भाई ऑफिस आइए, इसके सुन लो पहले। सो गाइस आप मेरी सुनो, मैं इतना थक गई हूं, और बदतमीज ने मेरे को कैसे बोला, अगर ये रिकॉर्ड कर रहा था उस चीज को, आई डोंट नो कर रहा था नहीं कर रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था, इसने मेरे को कैसे बोला कि तू मेट्रो से आ जाएगा, मतलब मैं इतना थक गई हूँ, इतना थक गई हूँ ना। खैर मैं थैंकफुल हूँ, कुछ मिला नहीं था, चल तो मैंने सोचा कि मुझे लेने। अच्छा तो तुम अपने काम से आए थे, मुझे लेने नहीं आए थे? अरे काम है, गाजियाबाद काम था मुझे, लेकिन दिक्कत ये कि तो जनता के सामने कबूल करो कि तुम स्पेशली मुझे लेने आए हो। घंटा स्पेशली लेने, तो ये स्पेशली मुझे लेने नहीं आया। फ्रेंड रहती है ऑफिस में, वो बड़ी सही सी है, तो आज उसे देखने आया था, लेकिन ये जल्दी आ गई फ्रेंड, मेरे ख्याल से लेट है। वैसे मैं सोच रही थी अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मेरी फ्रेंड अभी उससे गई है शटल से, मैं उसको भी। अरे तारो शटल से तार तो बताओ ना, कहां है? सही लगती है? चलो यार कितना पागल है, इतना साइको नॉर्मली पूछ रहा हूं, बताओ ना सही लगती है? फोन करके कहते शटल वटल में मजा आकर, यार ये साइको कह रहा शटल वटल में मजा। चलो गाइस अभी हम लोग चलते हैं कहीं ना कहीं घूम के आएंगे, वरना मुझे लेने आया तो कुछ खाएंगे पिएंगे घूमेंगे और मौज करेंगे, चलते हैं, लेट्स गो।